गांव के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहने और बच्चों, विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी भारत के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र से मतलब है कि जहां पर कोई भी व्यक्ति गरीब और निर्धन ना रहे, हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, हर व्यक्ति के लिए इलाज की व्यवस्था और कोई व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, ऐसा राष्ट्र विकसित राष्ट्र कहलाता है। तो ऐसे विकसित राष्ट्र को बनाने का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है, जो आपके गांव में आई है, कि 2047 तक हम सब लोग मिलकर के कैसे अपने देश को विकसित देश बनावें, कैसे हमारा देश एडवांस स्थिति में पहुंच जाए और देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो जाए। इसके लिए करना क्या है, जो 2047 का टारगेट है उसमें अभी हमारे पास 24 साल है, 2024 चल रही है, 23 साल बचे हैं अभी। 23 साल के कार्यकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं से जोड़कर के हम भारत सरकार को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब मैं कुछ योजनाओं की जिक्र करूंगा आपके सामने, जैसे काफी योजनाओं के बारे में बताया भी होगा यहाँ पर पहले से। एक सबसे प्रमुख योजना है भारत सरकार की, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस पीएम विश्वकर्मा योजना में गांव के अंदर जितने भी काम करने वाले ऐसे लोग जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, परंपरागत रूप से काम करते हैं, जैसे बर्तन बनाने का काम हमारे प्रजापति लोग करते हैं, वो इस योजना में पात्र हैं। राजमिस्त्री, लोहार जो लोहे का काम करते हैं, ऐसे आदमी जो सोने चांदी का साफ सफाई का, आभूषण साफ करने का काम करते हैं, पल्ला बिनने का काम करते हैं, चटाई बनाने का काम करते हैं, कपड़ा बिनने का काम करते हैं, यानी गांव के रूप से परंपरागत रूप से काम करने वाले सभी लोग इस योजना में पात्र हैं। और इसमें करना क्या है, इस योजना से जुड़ने के लिए पहले हमको ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन करने के लिए प्रत्येक गांव में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है, अपने आप ही है ना, कौन है कंप्यूटर ऑपरेटर में, देखो ये सुमित्री कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायत घर में बैठते हैं, ई कंप्यूटर जिनके पास जाओगे ये आपको आपका जो आवेदन है उसको ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन करने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा। जो भी व्यक्ति उसमें आवेदन करेंगे उनको 500 रुपया प्रति दिन मानदेय मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद अपने औजार पट्टे खरीदने के लिए, उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो टूल किट है उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपया एडवांस दिए जाएंगे। और टूल किट खरीदने के बाद में व्यवसाय को शुरू करने के लिए 3,00,000 रुपया भारत सरकार मुहैया कराएगी, जिससे कि वो व्यक्ति अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना काम शुरू कर सके। ये पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बड़ी तेजी से इस पर काम चल रहा है और गांव में रहने वाले सभी लोग इसमें पात्र हैं। पहले तो ये था कि जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया, कंपटीशन पास कर ली, उनको नौकरी मिलती थी, वही आगे बढ़ सकते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोग जिनके पास अनुभव है लेकिन कोई कागज नहीं है उनके पास, उनको ट्रेनिंग करा के सर्टिफिकेट दे करके खुद का रोजगार खड़ा कर सकें, खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकें, इसलिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। समझ में आ गई सबकी, देखो हमारे गांव में तो बहुत लोग हैं इसके पास, ज्यादातर लोग इस योजना के दायरे में आते हैं, तो इस योजना से जोड़ करके आप इसका लाभ उठाएं। एक मुद्रा बैंक ऋण योजना, जिसमें बगैर गारंटी के यानी बगैर जमीन खतरा खतौनी के 50,000 से लेकर के 9,00,000 तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाता है, वो प्रधानमंत्री की मुद्रा बैंक योजना है,
जिस योजना में अब तक लाखों करोड़ रुपया बढ़ चुका है। तो आप लोग अगर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, इसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने गांव के सचिव से, कंप्यूटर ऑपरेटर से या मोबाइल में आप भारत सरकार की योजनाएं कहकर के जब आप उसमें लिखेंगे तो मोबाइल आपको सारी जानकारी दे देंगे और देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ही अभी यहाँ पर उन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड को बंटवाए, स्वास्थ्य विभाग वालों कौन है स्वास्थ्य विभाग से बांटे गए कुछ आयुष्मान भारत के कार्ड कुछ बने हैं अभी बांटे हैं बने अभी वितरण हुआ है ना अभी तो नहीं हुआ है वितरण तो आयुष्मान पहले हुआ था योजना है पहले हुआ था अच्छे अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज फ्री उसमें जिसके 6 यूनिट है उसका बनेगा और 60 साल से ऊपर के जो है वो सभी इसके पास है। तो इस तरह से आयुष्मान भारत नाम से जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड है उसको सब लोग बनवा लो अच्छे से अच्छे इलाज अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज फ्री तो एक ये योजना। इसके बाद में यहाँ पर सम्मान निधि तो सबकी आ रही है ना किसान सम्मान निधि कोई ऐसा आदमी तो नहीं किसान सम्मान निधि ना आ रही इसके पास जितनी है इसके नाम में सीधा से लेकर के जितनी भी हो तो उसकी किसान सम्मान निधि आना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने बार बार अभियान चला करके कहा एक ही आदमी खुद है ना जिसकी किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री के जो 2000 रुपये करके 6000 रुपये आते हैं साल में वो सब्जी आ रही सब्जी। चलो ठीक है देखो ये अधिकारी लोग आपके आकर के इसलिए बैठे हैं कोई काम किसी का अधिकार